दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नो अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमारे पास पेन कितने रिफिल्स हैं, लेकिन वो वेस्ट जाते हैं और उनका कोई काम नहीं। लेकिन आज मैं लिख रहा हूँ आपके लिए एक ऐसा आइडिया जिससे वो यूज में भी आ जाएंगे और आपका एक स्कूल का प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, जो कि होगा मैथ का। और इसे हम बनाएंगे एक एंगल की मदद से, जैसे राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्टिक एंगल। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल नो अबाउट वर्ल्ड को। चलिए बिना देर करे वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है इस चार्ट को बनाने के लिए। एक स्केल, एक पेंसिल, गम, फेविकोल और आप कुछ पेंस के रिफिल्स और सीज़र को ले सकते हैं। आपके पास जब पेन मतलब कि खाली हो जाता है तो आप उसका रिफिल निकाल कर उसे गिर सकते हैं और सीज़र भी लेंगे। इससे जो है आपका काम हो जाएगा। आपको बस इतना ही सामान लेना है। हमने यहाँ पर पेंसिल और स्केल की मदद से कुछ एंगल ड्रॉ कर लिए हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल बनाने वाले हैं, फिर अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट लाइन और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एंगल बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले राइट एंगल को देख लेते हैं हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ रिफिल्स लेने हैं और एक पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर आपको मार्क कर लेना है कि कितनी लाइन आएगी वहाँ पर, और उसे सीजर की मदद से कट कर देना है। आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा रिफिल के ऊपर ताकि आप ध्यान से देख पाएँ, और आपको इस तरह से कट कर देना है। और उसके बाद आप गम की मदद से या फेविकोल की मदद से आप उसके ऊपर पेस्ट कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप अपने रिफिल्स को मेज़र कर ध्यान से काट लीजिए, इससे आपको आगे बनाने में आसानी रहेगी। तो अब हम रिफिल लगा देते हैं हमारी लाइन जो ड्रॉ की है। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेट हो आपका रिफिल काटा हुआ, कहीं पर उसे गलत ना काटा हो। देख लीजिए आप ध्यान से, आपको ऐसे करना है। आपको दोस्तों ये काम थोड़ा सा आराम से करना है, वरना ये काम थोड़ा गलत भी हो सकता है, इसलिए आपको आराम से और ध्यान से इसे करना चाहिए। आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं इस काम के लिए। अब हम बना लेते हैं अक्यूट एंगल को। तो सबसे पहले हमने गम लगा ली है लाइन्स पर ताकि हम इजीली रिफिल्स को उसके ऊपर पेस्ट कर सकें, और हमने ये कर दिया है। तो अब दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको ऑब्ट्यूस एंगल। एक मिनट दोस्तों, हम यहाँ पर पेस्ट कर ले पहले, और यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर लिया। देखिए आप कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। दोस्तों, एक बात का आपने ध्यान रखना है, आप रिफिल अच्छे से काटें, वरना बहुत प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अब हम करने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल पर, देख लीजिए। अगर आपको एंगल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी चार्ट्स ऑन एंगल, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और आपको एंगल के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, और वो भी बहुत ही इजी वे में। अब यहाँ पर हमारा ऑब्ट्यूस एंगल भी पूरा हो गया है। अब चलिए अब हम चौथे एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल को देख लेते हैं। आपको इसमें सिर्फ एक रिफिल की ज़रूरत पड़ेगी इस एंगल में, वो भी आधे की। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफिल्स को जमा करें। अब हम दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल को देख लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े से रिफिल ले लेते हैं और आपको मुश्किल आ जाती है फिर। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफिल्स लें। अब हम दोस्तों एक और रिफ्लेक्स एंगल को देख लेते हैं। बहुत ही इजी है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको रिफिल को मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से काटना है। आप अपने मम्मी पापा बहन भाई की किसी की मदद ले सकते हैं इसमें, लेकिन दोस्तों आप खुद भी इसे कर सकते हैं क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल का है। और ये दोस्तों हमारा बन चुका है, देखिए कितना कमाल का लग रहा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये वेस्ट मटेरियल का है। ये है दोस्तों राइट एंगल,
और उसके साइड में एक्यूट एंगल और फिर अबट्यूस एंगल और फिर स्ट्रेट लाइन एंगल और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और उसके बाद एक और रिफ्लेक्स एंगल। आप कुछ रिफल्स को जमा कीजिए और उन्हें बहुत ही सही आकार में काटिए। आप दोस्तों इसे और बड़ा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? दोस्तों आपको इन रिफलों का यूज़ करना है जिससे आपको थोड़ी आसानी रहे, क्योंकि ये फुली वाइट हैं, इसकी मदद से हम बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और आप चाहें तो इन रिफलों के साथ स्पार्कलिंग भी कर सकते हैं, इससे ये शाइनिंग और अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही रखें, क्योंकि इससे हमारा जो ये चार्ट है वो वेस्ट मटेरियल का लगेगा और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें बताइए कैसा लगा आपको ये कमाल का चार्ट। तब तक हम लेते हैं आपसे छोटा सा अलविदा। टाटा, बाय बाय, सी यू सून।